हे सो हेलो एंड वेलकम गाइस, कोटाई के जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, देसी लोकेंद्र कोटाई, और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने थंबनेल में आउटलाइन कैसे लगा सकते हैं फोटोज़ पर। सो गाइस, इसके लिए आपको एक पिक्सआर्ट ऐप डाउनलोड करना है, और उसके बाद आपको एक प्लस के आइकन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कोई एक फ़ोटो सेलेक्ट करना है जिसकी आप आउटलाइन बनाना चाहते हो। तो गाइस, मैं यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लेता हूँ फ़ोटो को, और गाइस हम यहाँ पर एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हो। कोई भी आप फोटो ले लें जो भी आप अपने थंबनेल में लगाना चाहते हो। तो गाइस देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पे टूल्स वगैरह इफेक्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पे आपको चला जाना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा जो है यहाँ पर कटआउट का, यहाँ पर थोड़ा कटआउट का मिल जाता है ऑप्शन, यहाँ पर इसको क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे इसको क्लिक कर लेना इसके ऊपर। उसके बाद साइज आप कुछ भी कितना भी रख सकते हो अपने हिसाब से, जिस तरह से आप इसको मतलब कट करना चाहते हो। तो रेड रेड कलर जो है यहाँ पे, जहाँ जितने भी आप थंबनेल के लिए बनाना चाहते हैं अपने फ़ोटो को ले जाते हो, उतने पर ही सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर राइट या तो एरो का जो वो आ रहा है आइकन, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही जैसे कि ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा, और आपका नेट ऑन होता है तो यहाँ पर एक मैन का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर इसका अब ये ब्रश आ गया, इस ब्रश से आप जो भी एक्स्ट्रा जो आपका पार्ट जो है वो कटा हुआ है तो उसको आप सही करके उसका हार्डनेस को फुल रखना है, और साइज को अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। तो देख सकते हैं बैक हो गया, तो इसके इरेजर से मिटा भी सकते हो वहाँ पर, और ब्रश से आप वापस ला भी सकते हो। तो गई इस तरह से आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिखा रहा है कि कहीं गलत हो गया, तो वहाँ पर इसको इरेजर उससे उठा सकते हो, सेकेंड नंबर इरेजर है, और इसका यूज़ करके आप उसको हटा सकते हो जो रेड कलर एक्स्ट्रा जगह आपके पहुंच रहा है। तो उसके बाद गाइस आपको अच्छे से देख लेना, उसके बाद गाइस आपको सिंपल ये सेव कर लेना है। सेव करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको जाना है, एरो का ऑप्शन मिल जाता है ऊपर, अच्छे से आप देख सकते हैं यहाँ पे शैडोज वगैरह आ रही है, आप अच्छे से सेट कर सकते हो। मैंने आपको बस एक एग्जाम्पल दिखाया है, वरना मैं भी अपने थंबनेल के लिए अच्छे से एडिट करता हूँ। और उसके बाद गैलरी में सेव कर लेना है एरो पर क्लिक करके। तो गाइस उसके बाद आपको एक और ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है पिक्सल है वो। उसके बाद यहाँ पर आपको मैं बताऊँ, थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इमेज आ जाते हैं, यहाँ पर आपको यूट्यूब चैनल यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप को प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद फ्रॉम गैलरी पर जाना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपने फोटो एडिट किया है पिक्सआर्ट का, वहाँ पे इसको ओके कर लेना है। यहाँ पे इसको थोड़ा डुअल जूम करके गाइस यहाँ पे आप छोटा भी कर सकते हो अपने फ़ोटो को, और गाइस आप वहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो प्लस पर क्लिक करके। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको नीचे आना है ऑप्शन में, तीसरा यहाँ पे फोर्थ पर आ जाना है। उसके बाद कलर पर जाना है, कलर पर जाने के बाद कोई भी बैकग्राउंड का कलर रख सकते हो, रेड ब्लू ग्रीन कोई भी आप एनी कलर रख सकते हो अपने बैकग्राउंड में। तो मैं अच्छे से इसको बैकग्राउंड इस तरीके से आप बना सकते हो बड़ी आसानी से, मिनटों में आपका मिनट भी नहीं लगेंगे, और आप अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद गाइस आपको जाना है स्टॉक ऑप्शन पर, स्टॉक ऑप्शन पर इनेबल कर देना है। तो इनेबल करने के बाद गाइस यहाँ पे वाइट आपको सेलेक्ट करें, कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो स्ट्रोक के लिए, तो थोड़ा इसका स्ट्रोक वाइट बढ़ा सकते हो जितना आपको अच्छा लगेगा, तो उस हिसाब से बढ़ा सकते हो। उसके बाद मैं गाइस यहाँ पे डन कर लेता हूँ, कोई भी आप कर सकते हो। डन करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको आ जाना है, फिर यहाँ पर शैडो पर ऑप्शन पर शैडो पर क्लिक करके इनेबल कर देना है। गाइस इनेबल करने के बाद देख सकते हो बहुत ही प्रोफेशनल एक वो लगेगा फ़ोटोज़ जो कि आपने लगाए। तो यहाँ पे ब्लैक वाइट रेड कोई भी आप शेडोज़ दे सकते हो बैकग्राउंड में। सो गाइस उसके बाद गाइस आपको करना क्या होगा, सिंपली गाइस आप यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह भी लिख सकते हो। इसके बाद एक्सपोर्ट इमेज पर जाना है, और इमेज पर जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपका JPG सेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे इसको आपको सेव कर लेना है। सो गाइस आई होप आप सीख गए हो कि आउटलाइन कैसे बना सकते हैं अपने थंबनेल पर। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।